Today we will discuss the revision of the metals and the non-metals, right? Give a quick review, and after that I will tell revise the salts also. ठीक है जी, metals and non-metals. ठीक है, what are the main basic property, or you can say the physical properties of the metal. What are the physical property of metal and non-metal? I am taking the combined metals. These are solid at room temperature. ठीक है, except mercury, that is in the form of the liquid. And whereas the non-metals, they may be solid, gases, and room temperature, except is bromine, that is the liquid at room temperature. ठीक है, then the second property, malleability. Metals are malleable, that can be hammered into a thin sheets. When they are beaten, they convert into the thin sheets. And whereas the non-metals, these are non-malleable, right, bete? Then the third property is ductility. Ductility, metals can be drawn into thin wires, whereas the non-metals, these are non-ductile. Then conductivity, ठीक है? Conductivity, metals are good conductor of electricity, heat and electricity, except lead and mercury. These are not the good conductor. Whereas in the case of the non-metals, they are poor conductor of heat and electricity, except graphite. Exception learn honi chahiye, theek hai, except graphite. Then lustrous, metals are lustrous, they are having a shiny appearance, whereas the non-metals, these are non-lustrous, except graphite and iodine. आप लिख कह सकते हैं ना, वही आ गया उसी में, द आयोडीन. ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है जी, एक्सेप्ट गैलियम सीजियम. ठीक है, विच कैन मेल्ट ऑन आर बॉडी हीट टेम्परेचर. एंड नॉन मेटल्स, दीज आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट. देन द लास्ट प्रॉपर्टी वी कैन से सोनोरिटी. Metals are sonorous, whereas the non-metals are non-sonorous. Then we had discussed about this, the some of these which are present in between of the metals and non-metals, these are called the metalloids. Okay, that is not in detail. Then chemical properties of the metal. Physical, हमने दोनों discuss कर ली. Chemicals में the chemical property of the metals, the first हमने करी थी reaction with oxygen. सबसे पहले आपने करी थी ऑक्सीजन. ठीक है, जब हमने ये करी थी रिएक्शन, दैट मींस द मेटल्स, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे एंड दे विल फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. ठीक है, एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव राइज टू MgO. That is magnesium oxide. ठीक है, तो metal oxides, अगर ये metal oxide है, metal oxide, these are basic in nature. मैंने याद करवाया BMO. ठीक है, बेसिक इन नेचर दैट आर मेटालिक ऑक्साइड, BMO, दैट इज मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो बेसिक इन नेचर मींस व्हाट दे विल डू, दे विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. इज दैट क्लियर? देन मेटल ऑक्साइड्स, दीज आर बेसिक हो गया, एंड सम ऑफ द मेटल जो है वो हम एम्फोटेरिक बाद में करेंगे. उसके बाद हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड भी सेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ऑल दीज आर बेसिक इन नेचर, दे कन्वर्ट द रेड लिटमस टू द ब्लू. एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड, टू ऑक्साइड्स आर देयर, एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड्स आर देयर. ठीक है, दीज आर एम्फोटेरिक, हमने कल भी करा था. एम्फोटेरिक मीन्स दोज ऑक्साइड्स विच कैन रिएक्ट विद द एसिड एंड द बेसिस. ठीक है, तो वो एम्फोटेरिक हैं, दे कैन शो द रिएक्शन विद द बोथ एसिड एंड द बेसिस. ठीक है, ऑलरेडी कल भी हमने डिस्कस कर लिया एम्फोटेरिक. ठीक है, ओके. देन डिफरेंट मेटल्स की जो हमने कल पहले करी थी रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, हर मेटल की रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ. मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, सुन लो, ऑलरेडी आपने करा है.
मेटल्स जो हैं पोटाशियम सोडियम दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे विग्रसली रिएक्ट विद द वॉटर, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन द कैरोसिन, सो दैट उसकी रिएक्शन ना हो, राइट. ऑर्डनरी टेम्परेचर पे सभी मेटल्स, जैसे जो सम मेटल्स हैं ऑर्डनरी टेम्परेचर पे, सरफेस ऑफ द मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड, ठीक है, दीज आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑक्साइड. ये चार को लिख लो सो दैट एकदम से याद आ जाए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड, दीज आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है, मतलब जो इसके ऊपर जो उसको प्रिवेंट करती है फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, राइट बेटे. दैट्स वाई वी हैव टू रब, लाइक अगर क्वेश्चन होता है कि मैग्नीशियम बिफोर बर्निंग वी हैव टू रब विद द सैंड पेपर, क्यों करते हैं, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्साइड लेयर बन जाती है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है. आयरन डज नॉट रिएक्ट ऑन द हीटिंग, ठीक है, बट आयरन फिलिंग्स जो छोटे छोटे चिपिंग्स होते हैं वो माइट बी, जब करते हैं फ्लेम ऑफ उसके ऊपर डालोगे तो समटाइम दे बर्न, बट आयरन विल नॉट रिएक्ट. देन कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव, इट डज नॉट बर्न, ठीक है. हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर, मतलब जब हम बहुत ज्यादा होता है तब हम कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, बट अदरवाइज कॉपर जो है वो नहीं होता. स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे कॉपर में रिएक्शन होती है. सिल्वर एंड गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, इवन एट अ हाई टेम्परेचर ऑल्सो, हाई टेम्परेचर पे जाके भी ये नहीं होते. जबकि जो कॉपर है एट अ हाई टेम्परेचर इट इज फॉर्म द कॉपर टू ऑक्साइड, उसके ऊपर एक कॉपर टू ऑक्साइड बन जाता है एक्सेस हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे. फिर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर, जिसमें आपने करा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर में कि सोडियम एंड पोटेशियम दीज आर स्ट्रॉन्गली रिएक्ट विद द वॉटर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, ये हम कर चुके हैं, ठीक है जी. फिर हमारे पास और कौन सा है, हाइड्रोजन गैस दे विल रिलीज, वट इज द साउंड ऑफ द हाइड्रोजन गैस, फिजिंग, एंड हाउ वी विल चेक द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग मैच स्टिक नियर टू इट, इट प्रोड्यूस द पॉपिंग साउंड. क्लियर. सोडियम पोटेशियम दे आर विग्रसली रिएक्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द वॉटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एल्यूमिनियम आयरन मैंगनीज दे रिएक्ट विद स्टीम, ऑलरेडी लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है, दे रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है, दे विल नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वॉटर, दे विल रिएक्ट विद द स्टीम. हमने एपरेटस में सेटअप करा था कि वहां पे वी विल टेक अ ग्लास वूल, सो वेट ग्लास वूल लेंगे, देन हीट करेंगे, द स्टीम विल प्रोड्यूस एंड इट विल रिएक्ट विद द मेटल एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस. क्लियर है, ठीक है. एल्यूमिनियम आयरन मैंगनीज दे विल रिएक्ट विद द स्टीम. फिर मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट एनी टेम्परेचर, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते चाहे जितना मर्जी टेम्परेचर जैसा भी हो, चाहे स्टीम हो कोल्ड हो हॉट हो, नहीं करते, कौन कौन से मेटल्स हैं, लेड कॉपर टिन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सारे जो हैं लीस्ट रिएक्टिव, दे विल नॉट शो द रिएक्शन विद द वॉटर. देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड्स, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस एंड द मेटल सॉल्ट, ठीक है जी. जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस दे विल रिलीज, बट मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दे विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. क्या रीजन था, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड बट वॉटर इज फॉर्म, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ठीक है. सो इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन टू फॉर्म द वॉटर एंड द नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बना देते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एसिड, तीन मेन एसिड हम करते हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3. सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे बोथ रिएक्ट विद द मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट टू मेटल्स, एक्सेप्शन इज अगेन देयर, टू मेटल्स आर देयर विच शो द रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ठीक है जी. देन हमारे पास है दे इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस. फिर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है, वहां पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी. कैलरी नहीं कैल्शियम मांगे, ऑल टाइम जिंक के फैन बन जाओ, सोनी पंजाबन हुंदी क्यूट,
ठीक है, दैट रिएक्टिविटी सीरीज ऑल ऑफ यू नो. तो मेटल सॉल्ट जब रिएक्ट करेंगे सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, दे विल शो द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दैट. इफ इट इज हाईली रिएक्टिव देन इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन एंड कन्वर्ट. इज इट क्लियर बेटे? इज इट क्लियर बच्चे? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? चलो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें आपने करा है नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे विल फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड. नॉन मेटल्स कौन कौन से करें? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सल्फर, दीज आर. कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म द CO2, राइट? CO2 व्हेन रिएक्ट विद द वॉटर इट विल फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड. ठीक है, एसिड आ गया, तो दैट इज दीज आर द एसिडिक इन नेचर, दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, इन योर बुक द एक्टिविटी इज गिवन विद द सल्फर, कि दे विल टेक अ ग्लास जार विद द हेल्प ऑफ द डीफ्लेग्रेटिंग स्पून, दे बर्न द सल्फर. ठीक है, एंड देन द फ्यूम्स विल बी देयर इन द ग्लास जार. आफ्टर दैट रिमूव द डीफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड एड्स द स्प्रिंकल सम वॉटर इन इट, देन पोर दैट वॉटर इन टू द पेट्री डिश. ठीक है, देन डू द एक्सपेरिमेंट विद द लिटमस पेपर एंड वी विल ऑब्जर्व दैट इट विल कन्वर्ट द ब्लू लिटमस टू रेड. दिस शोज दैट दीज आर द एसिडिक इन नेचर. ठीक है, देन उसके बाद इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटे. ठीक है, उसके बाद कौन सा है? एसिड्स के साथ डू नॉट रिएक्ट, और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वॉटर ऑल्सो, नॉन मेटल्स डू नॉट शो द रिएक्शन विद द एसिड ऑल्सो. हाँ, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ होती है, आई ऑलरेडी टोल्ड, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, अगेन इफ इट इज हाईली रिएक्टिव इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव. ठीक है, देन उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, वो हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन कैन बी कम इन द फॉर्म ऑफ, दे कैन आस्क यू अबाउट द वैलेंसी ऑल्सो. ठीक है, करने लगी. No doubt paper is in the MCQ form, no doubt all of, yeah, we have to write tick only, but some of things we have to solve beforehand, before tick we have to solve it carefully. Agar mujhe yahan pe calcium oxide banana hai, so what is like, ab isme they can ask you, this they will consider as a X, this they will consider as a Y, so in the MCQ they will give like this, XY hai, XY2 hai, X2Y है या X2Y2 है, you have to identify. But to identify, we have to solve this. ठीक है, अब यहाँ पे कैल्शियम that is Ca, ठीक है, 2882 ऑक्सीजन 26 है ना, Ca 2 पॉजिटिव मतलब it will release its 2 इलेक्ट्रॉन. अब हमने बनाना नहीं है, बना के नहीं दिखाना, तो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली. सी ए टू पॉजिटिव, ओ विल टू नेगेटिव, बोथ कैंसल एंड व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सी ए ओ यानी कि एक्स वाई. तो विच इज द आंसर, राइट आंसर इज एक्स वाई. वे तो चार ऑप्शन कुछ भी थी मैंने तो. हाँ, कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2882, तो यहाँ पे 2 ही छोड़ेगा ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट विल रिमूव, तो मैंने वही वहीं पे लिख दिया. अदरवाइज तो आयोनिक कंपाउंड में तो वो यूज टू मेक द 2 डॉट्स, तो ये 2 छोड़ेगा, बट एज वी मतलब नो नीड टू ड्रॉ द आयोनिक कंपाउंड, तो वी हैव टू इट लाइक दिस. सीधे ही मैंने उसकी वैलेंसीज लिख दी, हाउ मेनी इट नीड, हाउ मेनी इट विल लूज, कैंसिल एंड इट विल फॉर्म CaO. X was C and O, then the answer is XY. Is it clear? Clear hai bete? Clear? Right? By this we can see ki kaun sa compound form ho raha hai, XY ki kya hai, usme X2Y hai ya XY2 hai ya XY hai, we have to find out by solving it. Little bit aapko solve karna padega, so do it like this. Kyunki ionic bond, it's not a subjective paper that we have to make the ionic compound, no need to show the ionic compound, just write down the valency and see what is actually the result.
ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक, फिजिकल कह रही हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स कौन कौन सी हैं? फिजिकल नेचर, दैट इज देखने में कैसा है. आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज आयन. ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. अगर वो रीजन पूछ ले वाई दे आर सॉलिड, तो रीजन में अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो वाई दे आर सॉलिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयन्स. ठीक है, दे जन मतलब ये हो गया. सेकेंड हमारे पास है क्रिस्टलाइन हो गया इसके साथ ही. देन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर अमाउंट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, सो दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड बिटवीन देम, सो दैट्स व्हाई दीज आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. देन द सॉल्युबिलिटी, एज आई टोल्ड यू, कीप एग्जाम्पल इन योर माइंड, दैट इज NaCl, कॉमन सॉल्ट. So these are soluble in water but insoluble in the organic solvent. ठीक है जी. Fourth property, conduction of electricity, that is ionic compound, they can dissolve in water, so that means the free ions will release. ठीक है, but ionic compound do not conduct electricity in the solid state. याद रखना, they do not conduct electricity in the solid state. Solid state में ये conduction नहीं करेंगे. ठीक है, वन क्वेश्चन वॉज देयर इन द सीबीएसई जो पेपर्स आए हैं, द क्वेश्चन वॉज देयर, आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्स द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयन्स. ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन्स दे कैन कंडक्ट. ठीक है, और अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो वी कैन से कि जो सॉलिड स्टेट है मूवमेंट ऑफ आयन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. और मोल्टन में क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयन्स. इज इट क्लियर बच्चे? एनी डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. एनी डाउट टू एनी वन? No, why is gold used for making jewelry? But we will the write down the, अगर आपको चार options हैं तो उसमें से मान लो एक दी हुई है, gold does not react with water with the other substances. पहली option बिल्कुल ठीक है, gold does not या it is an unreactive metal, ये भी सही है. Third, have the lustrous, ठीक है, ये भी सही है. तो चार option आपको given है. ठीक है, या आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिफाई विच वन इज इनकोरेक्ट. अगर मैंने यहाँ पे चौथी ऑप्शन लिख दी है कि इनकोरेक्ट वाली बताओ, चौथी ऑप्शन इफ आई एम राइटिंग इट डू नॉट रिटेन्स इट्स शाइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो लास्ट वाली जो है हमारी रॉन्ग है. ठीक है जी, ठीक है. वाई नो गैस इज इवॉल्व वेन सल्फर इज एडेड टू HCl? Why? Yeah, what will happen when sulfur react with dilute HCl? Anyone will give the answer? I am asking. Anyone from the online? What will happen when sulfur react with the HCl? No one knows the answer. Bacha, sulfur is a non-metal. Sulfur is a non-metal and they do not show reaction. So these kind of the question. Copper vessel, they develop a green coating. Main pehle bhi bata chuki hu moisture mein. Because they will form the layer on it. Copper hydroxide and copper carbonate layer is formed. Is it clear bete? White calcium floats on the surface of water because hydrogen gas is produced, stick to the surface of the metal and so it floats. What is aqua regia? Ratio of what? Concentrated
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रेशियो क्या है बच्चा? कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या है रेशियो? 3। एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज 1। ये स्ट्रॉन्ग होता है 1 रेशो में है और ये लेस स्ट्रॉन्ग मतलब एज कंपेयर टू नाइट्रिक 3 रेशो, और दोनों ही कंसेंट्रेटेड है। दिस इज कॉल्ड एन एक्वारिजिया। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द मेटल्स। ठीक है, हाईली कोरोसिव लिक्विड होता है। इट इज जो गोल्ड स्मिथ है दे यूज इट बिकॉज इट डिसॉल्व द गोल्ड ऑल्सो। ठीक है, कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक बनाने के काम आता है, जबकि स्टील है दैट इज नॉट यूज। वाई? सिंपल है बेटा, ए कॉपर इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड स्टील। कंडक्टर ऑफ हीट है, कॉपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, वो हीट के साथ रिएक्शन देगा, जबकि उसके साथ स्टील विल नॉट शो। कॉपर डज नॉट रिएक्ट, सॉरी स्टील विल नॉट शो। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वॉटर एट ऑल, बट स्टील विल शो द एलॉय। स्टील एलॉय होता है, ठीक है, जिसमें आयरन है, तो आयरन जो है दैट कैन रिएक्ट विद द स्टीम। ठीक है, एनोडाइजिंग क्या होता है? बुक में गिवन है एनोडाइजिंग, एक प्रोसेस गिवन है एनोडाइजिंग, प्लीज लर्न दैट वन। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ब्लू बॉक्स में गिवन है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक्स इट रेजिस्टेंट टू द फर्दर कोरोजन। वो इसकी कोरोजन होने नहीं देता, ऑक्साइड लेयर बन जाती है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रेजिस्टेंट टू द फर्दर कोरोजन। मेटल नॉन मेटल में निकाल लो। ये देखो येलो बॉक्स, यस पेज नंबर 42 पेज पे येलो बॉक्स में गिवन है। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द कैथोड। हम उसको कैथोड बना देते हैं एंड सॉरी एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एनोड बनाते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइज विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, प्लीज लर्न इट प्रॉपरली। और कोई डाउट है? रिडॉक्स आपने ना मेटल्स एंड उसकी करनी है, आपको रिडॉक्स करनी है उसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ, एंड अगर ज्यादा ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ, और कोई नहीं करनी। तो रिडॉक्स में अगर हम बात करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल कौन सा गिवन है बुक में, वही कर लो पहले आप। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट विल गिव कॉपर प्लस वाटर। यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गई, और जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ एडिशन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ये क्या है? तो आंसर आपके क्या हुए? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन, वाटर नहीं आएगा, आंसर ये है रिड्यूस्ड CuO। और दूसरी तरफ आपने एडिशन ऑफ नॉन मेटल NM, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वाली यू विल नॉट डू। ठीक है जी, एनी डाउट्स?